गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी और आज हम डेटा एंट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि एमएस वर्ड है क्या। आप सभी जानते हैं कि एमएस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना एक पैकेज निकाला जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाए जो हम लोगों के डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे बहुत सारे कामों में हमारी हेल्प करते हैं। उसी में से एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये किस लिए बनाया? ताकि हम अपने डेटा को एंटर कर सकें और उस डेटा की फॉर्मेटिंग करके उस टेक्स्ट को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर सकें और उसे एक जगह पर अपने कंप्यूटर में सेव कर सकें और ज़रूरत पड़ने पे उसको यूटिलाइज कर सकें। तो ये जो एमएस वर्ड है, इससे हम अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? बिल बुक बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, अपनी पूरी बुक फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी बुक का कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसे जैसे इसके एडवांस वर्जन्स आते जा रहे हैं, हम इसमें अलग अलग तरीके की डिज़ाइनिंग्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड जो है, उसका जो टर्म है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब, वर्ड आप सभी जानते हैं, वर्ड का मतलब हुआ शब्द, शब्दों को प्रोसेस करना। अब प्रोसेस क्या करना है? हम जब भी टाइप करते हैं तो पहले हम एक वर्ड लिखते हैं, फिर सेंटेंस फ्रेम होता है, फिर एक पैराग्राफ बनता है। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट देखने में तब अच्छा लगता है जब उसकी फॉर्मेटिंग कायदे से होती है। अपनी कॉपी में भी कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, देखिए तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखते हैं, फिर आंसर्स ब्लू पेन से लिखते हैं, हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब आप अपनी कॉपी भी मेंटेन करते हैं तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर टॉप पे डेट डालेंगे, फिर चैप्टर का नाम डालेंगे बोल्ड लेटर्स में, फिर कुछ स्कूलों में नीचे एक कोटेशन भी लिखाया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ये जो फॉर्मेटिंग है, इसी को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट में दिए गए टेक्स्ट को फॉर्मेट करना कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग। और इस वर्ड प्रोसेसिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो हम ये देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग के क्या क्या फीचर्स हैं और ये हमें कैसे हेल्प करता है। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। प्रोफेशनल लुक का क्या मतलब हुआ? आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और वो एप्लीकेशन आपको किसी बड़े अधिकारी को भेजनी है, लेकिन वो एप्लीकेशन जो है उसमें 4 लाइनें ही हैं और वो 4 लाइनें आपको A4 साइज के पेपर के ऊपर प्रिंट करके सबमिट करनी है। तो जब आप उसको टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा? पेपर में सिर्फ ऊपर से इतनी सी जगह आपकी ले लेगा, तो वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तो जिस भी फॉर्मेट में आप अपनी एप्लीकेशन को टाइप कर रहे हैं उसके बीच में लाइन गैप्स को बढ़ा लिया जाएगा ताकि आपका जो पेपर है वो पेपर प्रॉपरली पूरा पेपर कवर हो जाए और उसमें आप एक अच्छा सा बॉर्डर लगा लेंगे। उसके बीच में जहाँ पे आप हेडिंग्स डाल रहे हैं या आप सब्जेक्ट डाल रहे हैं वहाँ पे गैपिंग बढ़ा लेंगे, सब्जेक्ट को आप बोल्ड कर लेंगे, तो वो क्या होगा? वो एक प्रोफेशनल लुक देने लगेगा डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या करता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक देने में हमारी मदद करता है। इसके बाद इसका जो दूसरा फीचर है वो है वी कैन इजिली मैनेज लार्ज डॉक्यूमेंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो हम बड़े सारे काम कर सकते हैं। मैंने बताया हम बिल बुक बना सकते हैं, हम ब्रोशर बना सकते हैं, लेकिन साथ में मैंने आपको बताया कि हम बुक भी फॉर्मेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम बुक भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बुक तो ज़रूरी नहीं है कि 1 पेज की हो, 2 पेज की हो या 10 पेज की हो। बुक तो 250 पेजेस की भी हो सकती है, 500 पेजेस की भी हो सकती है। तो जब बड़ी फाइल्स होती हैं तो वो भी आसानी से हम एमएस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है वी कैन वर्क ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का मतलब, अब आप ऐसे समझें कि मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में एक अनुराग है, एक शांभवी है, एक आस्था है। अब क्या करना है कि आस्था को शांभवी वाले डॉक्यूमेंट से कुछ कॉपी करके अनुराग वाले डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है और कुछ मटेरियल अपने वाली फाइल से निकालना है और अनुराग की फाइल में पेस्ट करना है। तो इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सेम टाइम पे एमएस वर्ड की 3 फाइलें ओपन करनी पड़ेंगी। और वो किस किस की फाइल होगी? शांभवी की फाइल, आस्था की फाइल और अनुराग की फाइल। अब हमें करना क्या है? हमें
शांभवी और आस्था की फाइल से डेटा को कॉपी करना है और अनुराग की फाइल में डालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कोई काम बहुत सारी फाइलों के बीच में करना होता है तो हम एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स खोल करके उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ये वर्ड प्रोसेसिंग का तीसरा फीचर था। चौथा फीचर वर्ड प्रोसेसिंग का है मेल मर्ज। मेल मर्ज का मतलब ये हुआ, मेल और मर्ज, यहाँ दो टर्म्स हैं। पहला टर्म है मेल। मेल का मतलब क्या हुआ? जो भी आप लेटर किसी को भेज रहे हैं। मर्जिंग का मतलब ये है कि जब हमें कोई भी लेटर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना होता है और उसका जो कंटेंट होता है वो कॉमन कंटेंट होता है, सब में जो बेसिक कंटेंट लिखा है वो सेम है, लेकिन हमें भेजना अलग अलग लोगों को है, तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम हर व्यक्ति के लिए लेटर अलग अलग टाइप करें, या फिर हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमें टाइप ना करना पड़े, ये मर्ज लेटर खुद तैयार हो जाएं। तो इस प्रोसेस को आसान करने के लिए एमएस वर्ड और एक्सेल के कॉम्बिनेशन से या किसी भी और डेटाबेस के कॉम्बिनेशन से मेल मर्ज जैसा एक फीचर तैयार किया गया, जो वर्ड प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है ऑटो करेक्ट एंड ऑटो फॉर्मेट। दोनों टर्म पहले अलग अलग समझिए। ऑटो करेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, स्पेलिंग एरर्स हो सकती हैं, पंक्चुएशन एरर्स हो सकती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती हैं। इन सारी एरर्स को करेक्ट करने के लिए वर्ड के साथ एक डिक्शनरी अटैच होती है, जो क्या करती है, जैसे ही आप कोई गलत वर्ड टाइप करते हैं वो आपको प्रॉम्प्ट कर देती है। और कैसे करती है? उस वर्ड के नीचे रेड कलर का मार्क आ जाता है, रेड कलर की लाइन आ जाती है। ऐसे ही आप ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो आपकी पर्पल लाइन आ जाती है, आप पंक्चुएशन की एरर करते हैं तो डिफरेंट कलर की लाइन आ जाती है। तो ऑटो करेक्ट फीचर क्या करता है कि ये जो गलतियां आपने की हैं, यदि आप कंप्यूटर को वर्ड को परमिट करते हैं तो वो सारी गलतियां खुद ब खुद करेक्ट कर देता है। ऑटो फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ? अब आप फॉर्मेट का मतलब पहले समझिए। फॉर्मेट का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देना चाह रहे हैं, तो प्रोफेशनल लुक के कुछ सेट पैटर्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आप नगर निगम के लिए एक लेटर लिख रहे हैं, तो नगर निगम वालों का अपना एक सेट पैटर्न होता है, वो सेट पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो कुछ सेट पैटर्न यहाँ फॉर्मेट में पड़े हुए हैं, आप अपने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस फॉर्मेट को अप्लाई करके ये ऑटो फॉर्मेट फीचर भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पूरे डॉक्यूमेंट को वन क्लिक से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑटो करेक्ट एंड ऑटो फॉर्मेट फीचर। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है प्रिंट जूम फीचर। जूम का मतलब आप सब जानते हैं, किसी चीज़ को बड़ा करना या किसी चीज़ को छोटा करना। तो जो भी आपकी वर्ड की फाइल है उसको आप इजीली देखने के लिए अपनी आई साइट के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसका पेपर साइज बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेस्टेड टेबल। तो पहले तो नेस्टेड टेबल का कंसेप्ट समझिए। एक ही टेबल बनाई हमने। टेबल क्या होती है? टेबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है? तो जहां पे रोज और कॉलम्स हैं वो टेबल है, लेकिन इसकी किसी एक सेल के भीतर अगर एक टेबल और बन जाए या इसकी सेल के भीतर एक टेबल और बन जाए तो ये क्या हो जाएगी? नेस्टेड टेबल। तो वर्ड प्रोसेसिंग हमें ये नेस्टेड टेबल बनाने के लिए भी परमिशन देता है। लास्ट फीचर जो है वर्ड प्रोसेसिंग का वो है कि हम अपनी वर्ड पे बनाई हुई फाइल को XPS या PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। XPS का फुल फॉर्म XML पेपर स्पेसिफिकेशन, ये आप लोग नोट कर लें, XML पेपर स्पेसिफिकेशन। और PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इन फॉर्मेट्स में सेव करना जरूरी क्यों है ये भी यहीं देख लेते हैं। ये दोनों फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो कहीं से भी बहुत इजीली खुल जाते हैं,
इस और बहुत सिक्योर्ड हैं दोनों, तो इसी वजह से हम इन दोनों फॉर्मेट्स में भी अपनी वर्ड की फाइल को सेव कर सकते हैं, कहीं पर भी आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 3 का पार्ट 1 था, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2007 जो आपके कोर्स में है। हालांकि अब एमएस वर्ड के और आगे के वर्जन्स आ गए हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में है वो एमएस वर्ड 2007 है, तो हम लोग एमएस वर्ड 2007 के फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।